नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो या बॉक्सर विजेंद्र सिंह, इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अनेक नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें राहुल गांधी ने पूरा मान सम्मान दिया। लेकिन ऐसे नेता कांग्रेस पर तरह तरह का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी छोड़ने वाले ऐसे नेताओं पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जब आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसके जवाब में राहुल गांधी ने बताया कि पार्टी छोड़ने की असल वजह क्या है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपने। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं, 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी ने पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया है, सारे महकमे बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, तो मजबूरी में नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ती है, इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में है, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। आप राहुल गांधी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस बयान में सच्चाई है या फिर वाकई कांग्रेस की कमियों की वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।